बहुत सारी स्पेस है यहाँ पे, आप गाड़ी इजीली पार्क कर सकते हो। वो रहा मेन एंट्रेंस, ये जी बहुत ठंडा है, बीमार पड़ जाएगा। तो ले लो फिर नॉर्मल, इससे बेहतर थोड़ा कंट्रोल करता हूँ, और ये नॉर्मल से थोड़ा गर्म है। ये रहा बालकनी, ठीक है। ये रहा कॉरिडोर, और यहाँ पे आप गाड़ी भी पार्क कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, वो इस तरह बोल रहा था खंभा बचा के, ठीक है। तो अभी वैसे ही ना पंखे को लेके जो सॉलिड इंट्यूशन मेरा आ रहा था, उसकी वजह से वो इंट्यूशन रिलेट हो गया इस जोक के साथ, तो वो जोक जो है मुझे याद आ गया। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ श्रीनगर में, और ऑलमोस्ट मुझे यहाँ 3 दिन हो चुका है। ज़रूरी कुछ काम था जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा और रहना पड़ा है। बाकी प्रेजेंटली मैं यहाँ रूम में बैठा हूँ, और थोड़ा नाखून जो है वो बड़े हुए थे, तो इसके लिए मैंने नेल कटर लाया है। तो सोचा एक वीडियो बनाऊँ, थोड़ा हाल दिन आप सबको शेयर करूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा एक लॉक हो जाए। तो जहाँ मैं अभी रुका हूँ वो जगह है डल गेट, ठीक है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जिसकी वजह से रूम जो है काफ़ी महंगा हो चुका है, या तो बिल्कुल मिलते ही नहीं है। और गर्मी की तो बात ही मत करो, एक शर्ट से अगर आपने ज़्यादा पहना हो, आप दिन को बाहर जाओगे तो बुरा हाल होना बिल्कुल यहाँ पे फिक्स है। धूप ना भी हो लेकिन हवा जो है ये बहुत गर्म यहाँ पे है। बाकी इंशाल्लाह कल निकलने की कोशिश करूँगा, अगर काम यहाँ पे बन जाए तो। एक फ्रेंड था मेरा, उसका नंबर प्लेट, जैसे आप लोग को पता है कि HSRP नंबर प्लेट जो है सारे गाड़ियों के लिए ये मैंडेटरी हो गया है, इसके बगैर जो है गाड़ियों को सीधे सीज किया जाएगा, ऐसा लद्दाख ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक नोटिस आया था RTO से। तो सेम यहाँ पे भी चल रहा है श्रीनगर में, लेकिन यहाँ पे जो है जून 15 से हो गया था। तो करगिल में जो है जुलाई 15 से ये जो है लागू हो गया है। तो उसका नंबर प्लेट था, उसकी वजह से भी यहाँ पे आना पड़ा, बाकी और एक काम था और उसकी वजह से भी यहाँ पे रुकना पड़ा है। बाकी अगर उसका नंबर प्लेट कल मेरे मुझे हैंड ओवर हो जाता है तो इंशाल्लाह मैं वो लेके निकल जाऊँगा। बाकी क्या, पूरे हमारे लद्दाख के सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस टाइम, शायद इसके बाद मुहर्रम आ जाएगा तो उसमें जो है शायद फिर लोग आ नहीं पाएंगे। तो उससे पहले जो है यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे फैमिली मेंबर्स हैं, अभी आए हुए हैं। तो ये नाखून जो है मेरे, ठीक है ना, ये जैसे मैं जब भी मैं श्रीनगर आता हूँ तो मेरे नाखून जो है थोड़ा जल्दी यहाँ पे बढ़ने लगता है, ठीक है। तो इसका एक्चुअल रीज़न तो मुझे भी नहीं मालूम कि क्या होता है, क्या पता है एटमॉस्फेयर की वजह से होता होगा, या फिर यहाँ पे जो हवा में मॉइस्चर है, मॉइस्चर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लद्दाख, उस वजह से भी हो सकता है। बाकी मुझे उतना इस बारे में पता नहीं है, आप लोग को पता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बता दीजिए कमेंट में। बाकी कल करते हुए यहाँ पे 3-4 दिन हो चुका है मेरे को, अभी नहीं पता और कितना दिन रुकना पड़ेगा। अगर काम सब हो जाए तो मुझे
रात को भी निकलना पड़ता तो मैं निकल जाता यहाँ से अगर काम कंप्लीट हो जाता तो उस सूरत में, लेकिन अभी काम मेरा जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसी वजह से बैठा हुआ हूँ यहाँ। बाकी जहाँ मैंने रूम लिया है बहुत अच्छा है, बाकी ये जो टूरिस्ट सीज़न है ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे जैसे लद्दाख में भी टूरिस्ट आते हैं इस टाइम पे, तो श्रीनगर में भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो इस वजह से जो है रूम का रेंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो चुका है ठीक, वो मसला है। बाकी मैं तो यहाँ नासिर भाई के गेस्ट हाउस रूम में होटल में बैठा हूँ, तो वो अपना बहुत ख़ास बंदा है, अपना ख़ास फ्रेंड है, और यहाँ का रूम जो है बहुत ज़बरदस्त है। आपको शायद मैंने पहले वाले वीडियो में या फिर दिखाया होगा पहले वाले किसी वीडियो में मैंने शायद आप लोग को, फिर भी मैं अभी फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा ये सब हो जाने के बाद। पता नहीं ये क्या नेल कटर कर दिया उसने, ये वाला था मेरा नेल कटर ये ठीक है, लेकिन क्वालिटी जो है इसका बहुत पुअर है ठीक है, आप लोग कभी इसको परचेज मत करना, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, और कुछ यूँ है ठीक है देख सकते हो आप। तो 40 रुपीज़ का ये लाया था लेकिन नहीं लगा उतना सही ठीक है, बाकी नेल्स मेरे हो चुके हैं, तो अभी मैं आपको रूम दिखाऊंगा ठीक है। तो रूम दिखाने से पहले इसको जो है डस्टबिन में फेंक के आते हैं, फिर मैं आप लोग को जो है रूम दिखाने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स गो, जहाँ पे क्या कहते हैं जहाँ पे डस्टबिन होगा वो देखे वहाँ पड़ा हुआ है, और ये रहा बाहर का कुछ नज़ारा, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा ये जगह। यहाँ पे बालकनी है, यहाँ से नीचे थोड़ा सा एक गार्डन है, ये रहा बालकनी ठीक है, ये रहा कॉरिडोर, और यहाँ पे आप गाड़ी भी पार्क कर सकते हो ठीक है, बहुत सारी स्पेस है यहाँ पे, आप गाड़ी इजीली पार्क कर सकते हो। वो रहा मेन एंट्रेंस, ये रहा छोटा सा गार्डन, अभी मैं आपको रिसेप्शन दिखाने की कोशिश करूँगा। तो वो रहा रिसेप्शन ठीक है, वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह है। चलो अभी वापस जाते हैं हम रूम पे, तो ये रहा मेरा रूम, तो मेरा रूम का भी हालत थोड़ा ख़राब है क्योंकि मैंने इसको अभी मेंटेन या फिर सेटअप नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं रूम ठीक है कुछ ऐसा है। यहाँ पे आपको चेयर देखने को मिलेगा, वहाँ पे एक छोटा सा टेबल और एक चेयर ठीक है, वहाँ पे मेरे कुछ ब्रेड और जूस फिर केले कुछ जो मैंने लाए थे वो पड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको एक कबर्ड ठीक है देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक ओल्ड वर्जन टीवी भी आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे मेजर ठीक है, कभी किसी को मेकअप वेकअप करना हो तो ठीक है ना। दीवार पे बहुत ही खूबसूरत एक फ्रेम लगा है, ये रहा फैन, तो उसके बाद चलते हैं भाई, ये रहा वॉशरूम ठीक है ओके, ये रहा वॉशरूम, वहाँ गीजर है, तो
अगर आपको ये वॉशरूम जो है, ठीक है, इंग्लिश कमोड है इसमें, उस वजह से अगर वो वॉशरूम आपको नहीं लगता है, तो ठीक यहाँ से ये रहा रूम का दरवाज़ा, निकलते ही वहाँ पे जहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल ये फ्लावर्स रखे हैं, उसके ये वाला जो है यहाँ पे वाइट कलर का एक डोर फ्रेम आपको थ्रेशोल्ड दिख रहा होगा, वो है। और एक वॉशरूम जहाँ पे आपको जो है ये क्या कहते हैं इसको, इंडियन कमोड जो है देखने को मिलेगा, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ इस होटल में इस रूम का ये लगा कि यहाँ पे जो है आपको एक वॉल लैम्प आपको देखने को मिलेगा। तो इसको कब यूज़ करना है आपने, क्योंकि एज यू पीपल नो कि इसका जो सारा स्विच है लाइट के या फैन के, सारे वहाँ पे, ठीक है, दरवाजे के पास, और बेड यहाँ पे है तो यहाँ पे सोते हैं। तो बाई चांस आपको रात को आपने जो है लाइट्स बंद करके इमरजेंसी में आपको उठना पड़े और आप वहाँ तक जा नहीं सकते, तो उस सिचुएशन में जो है आप इसको इजीली ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है। बाकी क्या, ये कुछ लुक है। एक चीज़ यहाँ पे सबसे मुझे डेंजर लगा, देखिए अभी मैंने कैमरे को मेरे फेस, ठीक है, फेस के लेवल पे लेके रखा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फ़ैन जो है बिल्कुल मेरे फेस तक आ रहा है। अगर आप केयरलेसली यहाँ पे बेड पे खड़े होते हो फ़ैन को ऑन छोड़ के, फिर बहुत ही गलत सिचुएशन जो है आपके लाइफ में आ सकता है। सो बी केयरफुल। ये मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा इस रूम का। बाकी सारे रूम्स का मुझे पता नहीं है कि फ़ैन जो है कितना ऊपर है, लेकिन इसका जो है बेड पे निकलने के बाद काफ़ी नीचे है, तो ये रिस्क है, ठीक है ना। अभी कुछ देर के बाद मैं जा रहा हूँ बाहर डिनर के लिए, साथ में डल पे भी जाके आऊँगा थोड़ा, और इससे पहले मुझे पानी है ही नहीं, पानी भी लाना है, ठीक है। और वहाँ पे एक अनार का जूस पड़ा हुआ है और एक ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड, जो कि मुझे ज़रूरत पड़ता है, तो ला के रखा है फिलहाल है अभी। और ये रहा कुछ केले यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें इसको मैं बाद में कंज्यूम कर लूँगा। बाकी चलिए अभी बाहर चलते हैं। और ये रहा डव का एक पाउच वाला शैम्पू, ठीक है, ड्राइनेस केयर, ये मुझे ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि बाद में जो है मुझे नहाना है, बाथिंग करना है, तो उस टाइम मुझे शैम्पू की ज़रूरत पड़ेगा। बाकी ये मेरा बैग, इसको मैं इस बार जो है श्रीनगर में सबसे ज़्यादा मुझे पछताना पड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ इस बैग की वजह से, क्योंकि मुझे कुछ दूर दराज इलाकों में जाना था, तो ऐसे में ये बैग जो है मैंने कैरी किया हुआ था, तो गर्मी बहुत था और बैग थोड़ा हैवी हो गया, क्योंकि मैंने सोचा कि बाई चांस ठंड वंड होगा रास्ते में तो कोट वोट उठा लेता हूँ, तो कोट वोट ये वो थोड़ा बहुत ट्राउज़र वाज़र उठाया था, तो बहुत भारी हो गया, इसकी वजह से बहुत क्या बोलूँ यार, अपना वार्ड लग गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर और मुझे पानी की ज़रूरत है, ये मैं डस्टबिन में छोड़ूंगा, उसके बाद मुझे नया एक बोतल लाना है, एक दो बोतल, तो चलते हैं बाहर। अगर मुझे मैं ले पाया तो मैं डेफिनेटली आपके लिए बाहर के कुछ सीन्स दिखाऊंगा। बाकी चलते हैं, मिलते हैं आने। तो अब मैं जा रहा हूँ बाहर और यहाँ से जो है थर्ड फ्लोर जाते हैं, ठीक है, जो कि मैं अभी तक गया नहीं। और हाँ, मैं आप लोग को बोल रहा था ये वॉशरूम जो है यहाँ पे है, ठीक है,
हमारे वहाँ के लोग जो है मोस्टली इसी तरह के कमोड को जो है प्रेफर करते हैं, इसलिए प्लस पॉइंट है। बाकी ये है, यहाँ से जो है आपको बाहर जाना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से इधर एंटर हो जाते हो तो आपको जो है यहाँ पे एक डाइनिंग हॉल जो है आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत। तो फैमिलीज अगर यहाँ आते हैं तो आई एम श्योर कि उनका टाइम जो है काफ़ी अच्छा गुजरेगा। ओके, देख सकते हैं एक दो तीन टेबल यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे कुछ वॉश बेसन है, ठीक है। और ये, हाँ जी, ये है किचन, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है। तो ये है बाहर का कुछ व्यू, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बैठना चाहते हैं तो छह सखे हुए हैं, यहाँ जाना चाहते हो तो यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन है, ठीक है। और वो रहा मेन एंट्रेंस, बाकी ये सारा स्पेस जो है गाड़ियों के लिए है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे है इनका रिसेप्शन, ठीक है। बात अभी प्रेजेंटली मैं हूँ रिसेप्शन रूम में, ठीक है। तो यहाँ एक बड़ा सा विंडो है, इससे बाहर का आपको व्यू दिखा रहा हूँ। ये रहा छोटा सा एक गार्डन जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है, काफ़ी अच्छा जगह है। तो अभी मुझे बाहर जाना पड़ेगा पानी के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है पानी है नहीं, तो चलिए बाहर चलते हैं। ठीक है, जरा एक बार ये जी, बहुत ठंडा है, बीमार पड़ जाएगा। तो ले लो फिर नॉर्मल, इससे बेहतर थोड़ा कंट्रोल करता हूँ। और ये नॉर्मल से थोड़ा गर्म है, हाँ। तो नहीं, दूसरी नहीं नहीं के घर तो लीटर वाला चाहिए था, वो है नहीं इनके पास। तो दो लीटर वाला जिसपे 10 रुपये डिस्काउंट भी रहता है वो लेके आया हूँ मैं, तो इसको लेके आगे जा नहीं सकता। तो इसको मैं जाऊँगा रूम पे छोड़ के फिर आगे तक घूमने के लिए, ठीक है। ये इस तरह बहुत ही भारी है तो लेके नहीं जा सकता। हाँ, फिर तू भी आ जाएगा इसमें। चलो, मुझे क्या है, नासिर भाई। देखो आज इसका सेहत थोड़ा ठीक लग रहा है, बाकी कल इसका बुरा हाल था, खुद बहुत अच्छा है, इसलिए कोई उनके साथ ऐसे बात कर ही नहीं सकता यार भाई। इसकी पर्सनैलिटी दे, हाँ बहुत तगड़ा है ना। पूछता यार मैं से 10 तक सो 12 तक सो, कौन पूछेगा मेरे को, नहीं पूछेगा ना। अरे होटल है, जो दिन भर सो जाए कसम से। मैंने मेरा हाल चाल पूछा ना, ज्यादा सोया था, आप ठीक तो हो गए। मेरा ऐसे ऐसे, अब क्या खाओगे, कब, अब देखता हूँ यार। यार भाई लोग बस अपे रिसेप्शन में था, नासिर भाई के साथ थोड़ा बात कर रहा था। तो यहाँ का जो ओनर है वो भैया का नाम शायद शाहिद है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन
सब कुछ है। बात कर रहे थे कि वो बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि कल मैं दिन भर चला था यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो उस वजह से जो है काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया था। तो और रात को देर से भी सोया था, जिसकी वजह से मैं सुबह फिर कोई 7 बजे जागा, तो ब्रेकफास्ट का मैंने इंतज़ाम किया हुआ था, तो वो करके फिर मैं फिर से सो गया। तो फिर जो है जब मैं कोई 11 साढ़े 11 या 12 के करीब बाहर गया फ्रेश होके, तो ये भैया बोल रहा था कि आप ठीक हो, सारे जो है सुबह जल्दी से उठ के जो है चले गए, आप बिल्कुल लेट तक सोते रहे, क्या बात है, आप ठीक हो, सेहत ठीक है? तो मैंने बोला भाई मैं ठीक ही हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। तो कल थोड़ा ये काम शाम था, जिसकी वजह से थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया था, इसकी वजह से सोया रहा, बाकी फिट हूँ बोला मैंने। बोला फिर मैंने बोला खाने का तो मैंने इंतज़ाम किया था, तो ब्रेकफास्ट करके मैं फिर सो गया था। चलो ठीक है, ठीक है, इसका थोड़ा बात है चल रहा था। बस ऑनर अच्छा है, ये नासिर भाई भी बहुत अच्छा है, और क्या बताऊँ, और क्या चाहिए होटल में, वरना किसी भी होटल में आप जाते हो, विजिट करते हो, बैठते हो, नाइट स्टे करते हो, या हफ्ते का करते हो, या 10 दिन का करते हो, या 1 दिन का करते हो, आप सुबह 7 बजे उठो, या फिर 8 बजे उठो, या 10 बजे उठो, या फिर 1 बजे उठो, कोई पूछेगा नहीं आपका हाल चाल, ठीक है? तो उन्होंने हाल चाल पूछा, तो दैट्स व्हाई अच्छे हैं। बस वही कुछ बातें कर रहे थे, तो अभी बहुत प्यास लगा यार भाई लोग, आप लोग को तो पता है, ये मैंने लेके आया बिसलेरी, काफ़ी फेमस है ना। बाकी कभी आप यहाँ पे इस टाइम विज़िट करते हो गर्मी में, तो फ्रिज का पानी बिल्कुल अवॉइड करना ऑलवेज, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग, जहाँ जहाँ मैं ऑटो में चढ़ा, जहाँ जहाँ मैं बस में चढ़ा, या फिर जहाँ जहाँ मैं किसी शॉप में गया, तो कोई ना कोई खांसते हुए आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ वो लोग क्या करते हैं, फ्रिज का पानी जो है यूज़ करते हैं, ठीक है? क्योंकि गर्मी बहुत ख़तरनाक है, मुझे भी मन कर रहा था कि आइस कोल्ड पानी जो है मैं पीऊँ, ठीक है? लेकिन थोड़ा बहुत क्या किया मैंने, कंट्रोल किया, मुझे पता है उसके बाद मेरा हाल क्या होने वाला है एक्चुअली, तो कंट्रोल किया थोड़ा नॉर्मल, ये नॉर्मल से भी डाल यार, ये तो थोड़ा गर्म है, क्या करें, सेहत का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। ओके यार, ये पंखा बहुत है इसके, तो जैसे मैंने आप लोग के साथ पहले ही बात किया है कि पंखा जो है थोड़ा रिस्क है, ठीक है ना? तो ऐसे में जब मैं अपना बैग अभी पैक कर रहा था, ठीक है, मेरे ट्राउजर्स यहाँ पे पड़े हुए थे, तो ट्राउजर्स को मैंने अंदर बैग में डाला, तो थोड़ा आगे पीछे हिल रहा था मैं, तो क्या हुआ, अचानक दिल में जो है क्या बोलूँ, आप इंट्यूशन, हाँ उसको इंट्यूशन बोल सकते हैं ना, एक सॉलिड इंट्यूशन आ रहा था कि पंखे से संभल करो, ओके, मतलब केयरफुल रहना है पंखा है ऊपर, ठीक है? तो इस तरह से मेरा एक सॉलिड इंट्यूशन आ रहा था, तो वहाँ से मुझे याद आया कि एक जोक है, एक दिन एक हस्बैंड होता है, एक बीवी होता है, फिर उसकी बीवी जो है मर जाती है, ठीक है? तो मरने के बाद जो है सारे उनके गाँव वाले आके उसको उसके अंतिम संस्कार के लिए उसको गंदा रखे लेके जा रही होती है बीवी को, फिर आगे जाके जो है वो एक खंबा होता है, ठीक है, रास्ते में एक खंबा होता है, तो लेते वक्त जो है उसकी क्या कहते हैं उसको, डेड बॉडी को जो उठा के ले जा रहे थे, तो वो गलती से जो है वो खंबे से लग जाता है, ठीक है? तो उसकी बीवी जो है फिर जिंदा हो जाती है, ठीक है ना, खंबे से लगने के बाद बीवी जिंदा हो जाती है फिर, ठीक है? तो इसके बाद और वापस आती है, तो फिर वो लोग अपना लाइफ से स्पेंड करती है, तो कई महीनों के बाद फिर से उसकी बीवी डेथ हो जाती है, तो सारे गांव के लोग आके उसको फिर से लेके जाते हैं, ठीक है? तो रास्ते में जब वो खंबा के पास पहुंचते हैं, तो उसका पति क्या बोलता है, लोगों को बोलता है खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के, ठीक है ना? तो क्या पता उसको ये डर था कि कहीं खंबे को लगेगा, फिर उसकी बीवी फिर से जाग जाएगी, तो फिर जिंदा हो जाएगी, ठीक है? वो इस तरह बोल रहा था खंबा बचा के, ठीक है? तो अभी वैसे ही ना पंखे को लेके जो सॉलिड इंट्यूशन मेरा आ रहा था, उसकी वजह से
उसकी वजह से वो इंट्यूशन रिलेट हो गया इस जोक के साथ, तो वो जोक जो है मुझे याद आ गया, तो वही जो मैं आपको बोला। ठीक है, बाकी और क्या बोलूँ, रेगुलर वीडियोस तो मैं डाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन लग रहा है एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं डेली वीडियोस जो है अपलोड कर पाऊँगा। फिलहाल थोड़ा बिजी था, ओके, लाइफ थोड़ा बिजी चल रहा है तो इसकी वजह से बना नहीं पा रहा हूँ, और ऊपर से गर्मी, ठीक है, लोग ढंग से अभी गर्मी में चल नहीं पाते हैं, तो मैं वीडियो क्या बनाऊँगा। बाकी और कोई 10-11 दिन के बाद जो है मुहर्रम आ रहा है, ठीक है, तो आशुरा के टाइम जो है मुझे मन कर रहा है कि मैं जंजीर जनी करूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरा बचपन से शौक रहा है कि मैं जंजीर जनी करूँगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो है कभी मुझे अलाउ नहीं किया, ठीक है। मैंने 10 बार उनसे क्या परमिशन लिया, 15 बार मुझे रिजेक्शन मिला, ठीक है, 10 बार परमिशन मांगा, 15 बार रिजेक्शन मिला, तो इस साल मैं उनको कन्विंस करूँगा और मुझे करना है इंशाल्लाह, ये मेरा बहुत बड़ा शौक है यार। और मैंने सोचा है कि मेरे बाल जो है बिल्कुल ठीक है गंजा कर दूँ, क्योंकि बाल मेरा ख़त्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहा है, मुझे फील हो रहा है, मुझे लग रहा है, दिख रहा है, ठीक है, बहुत ख़त्म होते जा रहा है बाल मेरे, तो ऐसे में क्या करना है, बिल्कुल इसको एक बार क्या मैं 10 बार टकला करूँगा। बाल और दांत का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है, इसलिए अपने बालों का और अपने दांतों का जो है बहुत ख्याल रखना चाहिए, ठीक है ना। बाकी करने वाले तो ये ट्रांसप्लांट भी कर लेते हैं, लेकिन उसमें 50,000 से अबाव ही लगते हैं, ठीक है, ओके। फिलहाल वैसा कुछ करने का मेरा मन नहीं है, इसलिए यहाँ से मैं इसका थोड़ा ख्याल रखना शुरू करूँगा, देखते हैं रिग्रो होते हैं कि नहीं, जो जो निकल गए, ओके। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा रिलैक्स करने का मन कर रहा है, ओके, तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आगे और एक व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।